बट आप अपने मुंह से बताओ कि हम क्या लेने वाले हैं। iPhone 16 Pro Max। यस। अभी हर बार हम जो सोचते हैं वो तो हमारे साथ होता नहीं है ना। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। मैंने और आमिर ने आज गर्मी वाले कपड़े पहने हैं क्योंकि यहाँ पर आज काफी गर्मी है। कल ठंडी लग रही थी और आज गर्मी लग रही है। और आमिर तो सुबह सुबह में कभी कभी यह करता है, तो आज भी ऐसा कुछ है बट अभी ठीक हो जाएगा, है ना। बोल गुड मॉर्निंग एम। अभी जब तक पौधे ठीक से चिपक नहीं जाएंगे तब तक तो ये सुबह और शाम दोनों टाइम मुझे पानी डालना ही है क्योंकि गर्मियाँ खूब है, इतनी धूप है तो हमें उसे हर रोज पानी डालना पड़ेगा। तो ये मेरा एक काम अभी शुरू हो गया है वापस से। क्योंकि सर्दियों में तो इतनी बारिश आती रहती है ना, तो पानी डालने का काम ही नहीं था। और अभी वापस ये गर्मी आ गई है तो वापस ये मेरी एक ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। अभी ये सारा सामान मैं लेकर बैठ गई हूँ और ये कुछ किस तरीके से बनाना है वो फिर ऐसा बनेगा, तो मैं ट्राई कर रही हूँ मेरे से हो पाता है कि नहीं। देखो ये वेजी पेज के अंदर लगाया हुआ है ना, बस ऐसे ही। तो चलो मैं ट्राई कर रही हूँ। अभी बहुत मेहनत का काम लग रहा है मुझे, तो होता है तो करके देखती हूँ, अदरवाइज पता नहीं। ये अर्पित ने 2 साल पहले मंगवा के रखा है बट हमारे कुछ काम में ही नहीं आ रहा था। और अभी मैंने सोचा है कि चलो वो मुझे करेले का बेला लगाना था ना, शायद उसके लिए काम में आ जाएगा, ऐसा सोच के कर रही हूँ मैं अभी। आपको मनो ममान काम करवा देना बेटा। देखो ये मुझे कुछ काम नहीं करने दे रहा है बट मैंने एक बनाया है वो मैं आपको जाके दिखा रही हूँ वेजी पेज के अंदर। देखो ये है ना, इतना बड़ा ऊंचा भी रख सकते हैं और इसे जितना छोटा रखना उतना छोटा भी रख सकते हैं, अपने पौधों की हाइट के हिसाब से रखना होता है। अभी मैं ये नीचे वाले पौधों की वजह से तो नहीं कर रही, मैं इस पर वेन चढ़ाने के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा हाइट वाला रखा है। तो बट अभी बाकी सारा करना भी है बट आमिन को अभी उसे खेलना है, तो चलो आज खेलने देती हूँ उसे, फिर जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं पूरा कंप्लीट करके ही आपको दिखा दूँगी। अभी आमिन ये वाली चीज़ मुझे नहीं करने दे रहा है, तब तक मुझे कुछ और भी मेरे दिमाग में घूम रहा है तो मैं वो भी करना चाहती हूँ। तो चलो, जो मैंने लास्ट ईयर जैसा बनाया था ना मंडप वेल चढ़ाने के लिए, मैं सेम ऐसा ही मंडप करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 2 चीज़ें ला दी हैं, इसको लगा दूँगी हैमर से। ठीक से शुरू भी नहीं हुई और आज ही के आज ही दिन मैं तो काली हो गई हूँ। मेरे हाथ पैर सब कुछ काला हो गया आज ही के आज के दिन, क्योंकि पूरा दिन ऐसे धूप में रहते हैं ना तो ऐसा ही हो जाता है। यहाँ की धूप ऐसी होती है कि स्किन को बहुत ही जल्दी काला कर देती है। हाँ, और मैं ये बता रही थी, देखो मैंने अभी इस तरीके का बना दिया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना। तो ये अभी तो ये क्या है कि रो मटेरियल जैसा है, जब इसके ऊपर बेले चढ़ेगी तब उसकी खूबसूरती आएगी। तो मैं यहाँ पर कौन से बेले लगाऊंगी, तो करेले के बेल लगाने वाली हूँ और ककड़ी के, तो ये 2 तरीके के बेल इसके ऊपर जाएंगे और फिर ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। और देखते हैं अभी, तो ये पूरा जो बॉक्स है मेरा आप देख सकते हो, सारे अलग अलग तरीके के बीज मैं इस तरीके से रखती हूँ। कुछ सीजन वाइज रखती हूँ, कुछ कैटेगरी वाइज रखती हूँ और कुछ अलग तरीके के बीज होते हैं उसको भी मैं इस तरीके से रख देती हूँ। ज़्यादातर तो ये बाहर से ही लाए हुए बीज हैं। अभी क्या है कि वो टमाटर का, यहाँ पर जो टमाटर का पौधा है वो पूरी तरीके से जल गया है जैसा मैंने आपको बताया था। उम्मीद तो है क्योंकि ये हरी डंडी है अभी, तो कुछ हो भी सकता है और कुछ ना भी हो, उसकी वजह से मैं यहाँ पर टमाटर के बीज भी साथ में डाल ही देती हूँ। फिर ये कैसी वाली ब्रॉड बीन्स है, उसका एक ही दाना काफ़ी है क्योंकि वो बहुत ही होता है, बड़ा पौधा हो जाता है वो, उसको मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और ये जो 3 ककड़ी के पौधे हैं उसको मैंने अभी जो ये बनाया है उस वहाँ पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इस तरीके के
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ककड़ी के जो पौधे हैं उसको ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और मेरे पास अभी ये बीटर गार्ड का करेले का बीज है, उसको मैं लगा रही हूँ, तो वो दो लगाने वाली हूँ मैं, और वो भी यहाँ पर जो ये मंडप बनाया है ना उसी में ही लगाऊंगी। ये मंडप मैंने बनाया ही इसलिए, लास्ट ईयर आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि पम्पकिन के पौधे बहुत ही अच्छे से इस पर ग्रो हुए थे, मैंने ऐसा बनाया था, तो और उसी वजह से वो लास्ट ईयर ये सक्सेस हुआ ये मंडप, इसीलिए इस बार भी मैंने बनाया है। तो अभी पौधे तो लग गए सारे। अभी पौधे लगाने के बाद मैं डाल रही हूँ पानी, क्योंकि धूप बहुत ही तेज़ है आज, तो सारे पौधे नुकसान में ना चले जाए उस वजह से मैं अभी पानी डाल रही हूँ। और अभी अर्पित आते ही होंगे, तो हमें जाना है एक अच्छी जगह पर, वो भी मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगी क्या करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आप लोगों की भी बहुत ही खुशी होगी जानने के बाद। तो अभी अर्पित आ गए हैं और हम लोग अभी निकल पड़े हैं बाहर जाने के लिए। तो अर्पित कहाँ जा रहे हैं आप ही बताओ। अभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। किस चीज़ की शॉपिंग करनी है? समझ नहीं की। तो बोल। इस बार तो सही बात है कि मेरी शॉपिंग करनी है। बट आप अपने मुँह से बताओ कि हम क्या लेने वाले हैं। iPhone 16 Pro Max। Yes. तो मैंने इसलिए नहीं बोला था अभी आपको, क्योंकि अर्पित आए तो मुझे अर्पित के मुँह से बुलवाना था कि हम इतनी बड़ी खरीदी अभी करने जा रहे हैं, मेरे लिए आईफोन लेने जा रहे हैं। हालांकि मेरा ये आईफोन ठीक ठाक ही चल रहा है, बट अर्पित की बहुत इच्छा थी कि मैं ये नया वाला आईफोन लूँ। तो फिर हम लोगों के बीच में फिर ये फिक्स हो गया कि आज लेना ही है, तो अर्पित मुझे आईफोन लेने के लिए ले जा रहे हैं। अभी तो नहीं मिलेगा ना, फिर अभी तो प्री बुकिंग चल रहा है। वही तो, वो प्री बुकिंग करना मतलब हम पैसे देंगे तब बुक हो गया ना। हाँ तो फिर लिया ही, शॉपिंग ही बोल सकते हैं ना, वो तो पैसा खर्चा मतलब शॉपिंग। गए हम लोग गुड गाइस में, है ना, यही हमारी फेवरेट शॉप है, तो यहीं पे आते हैं हमेशा। और अर्पित गिफ्ट कार्ड क्या होता है वो बताओ। क्रेडिट कार्ड में हम जितना खर्चा करते हैं ना उसमें उतने पॉइंट मिलते हैं, तो हमें $1000 के पॉइंट हुए थे, तो $1000 का गिफ्ट कार्ड इस शॉप का मिला है। ओ वाओ, तो चलो हम गिफ्ट कार्ड को अभी यूज करने वाले हैं। और देखो ये आमिन, ये हमारी फेवरेट शॉप है जैसा अर्पित ने बताया, क्योंकि यहाँ पर है ना घर बकरी की चीज़ें बहुत अच्छे से मिलती है। घर बकरी गुजराती वर्ड्स है, बट आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुझे लेना है? उससे है ना डर लग रहा है, वो आवाज़ आ रही है ना, तो उसको यूँ है कि सफाई वाली वो गाड़ी नहीं आती है सब जगह पे, इसलिए उसका ध्यान वहाँ पर है। अभी हर बार हम जो सोचते हैं वो तो हमारे साथ होता नहीं है ना, तो यहाँ पर हमें जो फ़ोन लेना है वो मिला नहीं है, मतलब जो कलर लेना है वो नहीं मिला, इसलिए हम लोगों ने बुक नहीं कराया है। और हमारे पास जो गिफ्ट कार्ड थे वो यही शॉप के थे, बट फिर भी अर्पित मुझे दूसरे शॉप ले जाना चाहते हैं। तो हम लोग आ गए हैं दूसरी शॉप में, तो यहाँ पर गिफ्ट कार्ड हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। देखते हैं हमारी पसंद का कलर अवेलेबल है, बट अभी अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर के सेकंड वीक में, ऐसा इन्होंने हमको बताया है, इसलिए हम लोग फ़ोन कर इंफॉर्मेशन अर्पित ने बाय फोन ली है और हम लोग यहाँ पर आए हैं। ओके,
अभी पूछते हैं क्या कहता है ये। अक्टूबर 7 तो बोला है उसने, अच्छा तो उससे पहले ही आना चाहिए। हाँ, फिर यहाँ पर स्मार्ट वॉचेस है और ये देखो हर एक दूसरे फोन भी देख रहे हैं यहाँ पर, और ये सैमसंग तो होता ही है। Hey Wesley, how are you? तो ये रही रिसीप्ट जिसने कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे है, हाँ देख ये रहा 1 GB का। तो ऐसा बोला है कि 4 अक्टूबर को, शायद 4 अक्टूबर से पहले मैसेज आएगा या कॉल आएगा स्टोर में से, जब इसके पास स्टॉक आ जाए तो। और अभी हमको फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे BW में सेल लगा है, तो हम वापस यहाँ से घर जाने वाले थे और रास्ते में फ्रेंड ने बता दिया यहाँ सेल लगा है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ये देखो हमारा बेटा जेब में हाथ डाल के घूम रहा है। हाँ मैं देखो ऊपर देख के चल रहा है अभी तो। वाओ, तुझे खरीदना है सब तो वाओ सेल देखकर। तो अभी यहाँ पर शॉपिंग हो गई है स्टार्ट, और अर्पित का कार्ट आप देख रहे होंगे भर दिया है पूरा। तो ये देखिए यहाँ पर सांता क्लॉज भी आ गए हैं, और यहाँ लाइटिंग भी लगने लगी है, गिफ्ट भी लगने लगे हैं, सब कुछ यहाँ पर क्रिसमस का माहौल बनने लगा है बढ़िया तरीके से। लोशन यहाँ से बाय किया है और अभी लेके जा रहा है वो। खुद की शॉपिंग खुद ही करनी होती है आमिन, तुझे हमेशा है ना। हाँ खरीदने के बाद ये जो सारे हैंगर होते हैं उसको यहाँ से, और आमिन देखो ये खिलौना समझ कर देखो ऐसा है, ये तो पागल हो जाता है बाहर आता है ना तो देखो। तो अभी शॉपिंग हो गया है खत्म और हम लोग जा रहे हैं घर। आमिन जो ये देखो ये बुर्का बन गया है, ये पूरी फ्रॉक को एक कंधे को उसने अपने मुंह में पहन लिया है, अभी बुर्का बनाया है और गाना गाते गाते घूम रहा है। शॉपिंग से आकर खाना पकाया खाया, उसमें टाइम काफ़ी चला गया और मुझे ब्लॉग का एंड करने का टाइम मिला ही नहीं, तो मैं अभी ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग में।